भगवानी मतलब बरकातों। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। एक वीडियो अपलोड करके मस्त मैं सो गई थी, उठ के चाय वगैरह पिया, नाश्ता किया, दाल चावल अंडे का सब चटनी वगैरह सब बनाया और रोटी डालना बाकी है। तो सोचा एक व्लॉग डाल के जो है मैं एक व्लॉग डाल ही दूँ। तो वैसे मैंने अपने दूसरे वाले चैनल जो है हिंदू मुस्लिम कपल व्लॉग्स में मेरे सब्सक्राइबर से पूछा था कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए कि नहीं। तो सब लोगों ने बोला कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, कुछ कुछ लोगों ने बोला इस टॉपिक को एंड कर देना चाहिए, कुछ कुछ लोगों ने बोला कि जब इनका वीडियो आता है और कुछ कंटेंट निकलता है रोस्ट करने का तब आपको रोस्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक कमेंट मेरे पास एक पेंडिंग भरा है मेलविन भाई का। मेलविन भाई, आज मैंने आपका नाम सही लिया, मेरे दुआई भले भाई है। सो मेलविन भाई ने बोला था कि आंटी जी को अगर अपनी बेटी की इतनी फिक्र, इसमें मैं भी मॉडिफाई करूँगी, अपना भी पॉइंट्स में रखूँगी। तो आंटी जी की फिक्र तब कहा गई जब बेटी का रिश्ता टूटा, और आंटी जी की फिक्र तब कहा गई जब बेटी अकेली गई, जो कि बिल्कुल सच बात है। देखो, किसी के बच्चे की मरने की दुआ और बद्दुआ आप नहीं कर सकते हो, बद्दुआ आप नहीं कर सकते, दुआ तो खैर वो होती नहीं है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी और मौत देने वाला वो अल्लाह ताला होता है, और उसको दुनिया में लाने वाले उसके माँ बाप होते हैं। माँ ना जाने कितने तकलीफ़ों के बावजूद 9 महीने अपने कोख में रख के उस बच्चे को दुनिया में लाते हैं, तो ऐसा बोलना सरासर गलत है। जिसने भी कमेंट किया, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप इस चीज़ को नहीं समझोगे। इंशाल्लाह ताला अगर आपके औलाद आगे जाके होगी तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चों को अगर कोई मरने की बद्दुआ दे रही है तो ये कितना गलत है। ऐसी चीज़ें बद्दुआएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए जो कि अपने ऊपर ही आए, ठीक है। और रहा सवाल दूसरों की, मुझे भी इस चीज़ का बुरा लगा, डेफिनेटली लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है कि किसी की, चाहे वो इंसान हमारा दुश्मन ही क्यों ना। वैसे तो आंटी जी मेरे दुश्मन है नहीं, और आंटी जी का नाम लेके मैं कमा रही हूँ, जो कि सच बात है। मेरे घर में जो भी मेरी यूट्यूब से सैलरी आ रही है कुछ महीनों से, वो आंटी जी और उसकी फैमिली के नाम से ही आ रही है। मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। तो आंटी जी के नाम से ही आ रही है, तो बुरा तो जाहिर सी बात लगने वाली है भाई, कि उनके आंसू देख के हर किसी को बुरा लगेगा। जो इंसान होगा, इंसानों को दूसरों के आंसू देख के बुरा लगेगा, चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो। जो जानवर होते हैं उनको दूसरों का जो है आंसू देख के उनको बुरा लगता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे अंदर इंसान का दिल है, तो इसीलिए बुरा लगा। बाकी ना तो आंटी जी से मैं डरती हूँ और ना ही आंटी जी मुझे सूली पे चढ़ाएंगी, बट ये है कि उनके आंसू देख के मुझे बुरा लगा, क्योंकि वो हमेशा हंसते खिल जाते रहते, वो एक बुजुर्ग औरत है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में मैंने भी लिमिट क्रॉस की है, बट बुरा तो लगना ही, कि इंसान है हम आफ्टर ऑल। हमारे सामने कोई अगर कोई इंसान, अगर किसी को हम हंस से मुस्कुराते देख रहे हैं, अचानक से जब वो सैड हो जाता है, उसके आँखों में पानी आ जाता है, तो जाहिर सी बात है बुरा लगता है, वो चीज़ फील होता है। अब बात करें अगर आंटी जी की, मेलविन भाई ने ये चीज़ बोला था कि आंटी जी को अभी बेटी की बनने की कमेंट के ऊपर उनको बहुत बुरा लग रहा है। जब बेटी का तलाक हुआ, मैं यहाँ पे लगा दूंगा वो कमेंट, तब आंटी जी को जो है रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं की। तो सबसे पहली बात तो मैं अपना पॉइंट रखूँ कि आंटी जी कोई भी माँ हो, उसके बारे में अगर कोई ऐसा बोले ना कि तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तो वो माँ जो है ना वो तुरंत रिएक्ट करता है, इतना दिन वेट नहीं करता है। कोई अगर इंसान इग्नोर कर ही रहा है और अल्लाह के ऊपर छोड़ रहा है, तो मुझे लगता है पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहिए था, अब जवाब नहीं देना चाहिए था। लेकिन इतने दिनों बाद आंटी जी के बेटी के मरने का कमेंट पर आंटी जी ने रिएक्ट किया, हालांकि आंटी जी को पहले ही कर लेना चाहिए था ये चीज़। अगर आपको रिएक्ट करना ही था, अगर आपको सच में दिल पे लगने वाली बात है भाई, दिल पे लगने वाली बात है, या तो आप रिएक्ट नहीं करते, अंदर से बद्दुआ हाय बद्दुआ दे के अल्लाह के ऊपर छोड़ देती, या फिर अगर आपने रिएक्ट किया ही है तो उसी टाइम पर आपको उस इंसान को रिएक्ट करना चाहिए था। लेकिन आंटी जी को अब रिएक्ट करने का सोचा क्यों? क्योंकि आंटी जी के बच्चों का दुकान वापस से खुलने वाला है, तो दुकान अगर खुलने वाला तो दुकान की साफ़ सफाई, दुकान के आंगन का साफ़ सफाई तो करना पड़ेगा, जो कचरा दुकान के सामने जमा हुआ है उसका तो साफ करना ही पड़ेगा ना भाई। तो इसीलिए आंटी जी का रिएक्शन निकला, वरना इतनी बड़ी बात एक माँ सुन के अगर ले रही है, चलो या तो मजबूरी में वो रिएक्ट नहीं करेगी कि ऐसे लोगों को भाव ही नहीं देना है, और या तो रिएक्ट करेगी तो बहुत अच्छी तरीके से तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। बट वो लोग ना वक्त के अनुसार वो रिएक्ट करते हैं, जब उनको रिएक्ट करना होता है, जब उनको लगता है कि नहीं ये सही वक्त है रिएक्ट करने का, तभी हम रिएक्ट करते हैं। तो आंटी जी को, अगर हर माँ को अपनी बेटी को लेकर फिक्र होता है, हर माँ को अपनी औलाद को लेकर फिक्र होता है, चाहे मैं हूँ, आंटी जी हूँ, आंटी जी का औलाद हर इंसान को होता है, कोई भी माँ इतना वो केयरलेस नहीं होता है, सिवाय काली मैना के। काली मैना पर मैं बाद में आऊँगी, केयरलेस मैंने क्यों बोला, आई थिंक आपने पॉइंट पकड़ा होगा। सो आंटी जी, मैं वही बोलूँ मेलविन भाई का, बात में आगे करके बोल रही, कि अगर आंटी जी को अपनी बेटी की इतनी फिक्र थी, तो आंटी जी ये फिक्र आपकी तब कहाँ गई? जब आपकी बेटी का रिश्ता ख़राब हो रहा था, तभी आप लोगों को जो है एफर्ट्स डालना चाहिए। तो चलो ठीक है भाई, वो अल्लाह की तरफ से कुछ कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे जो लाख कोशिश के बाद भी वो निपते नहीं हैं, क्योंकि रिश्ता निभाने का चाह जो है वो दोनों तरीके से होना चाहिए। हुआ होगा उन दोनों के बीच में कुछ भी, जिसकी वजह से वो रिश्ता नहीं टिक पाया। बट मुझे लगता है कि आंटी जी को अगर अपनी बेटी के लिए इतना फिक्र है, सो अभी अभी जो बेटी आके घर में बैठी है, तो ये चीज़ तभी हो जाना चाहिए था बहुत पहले।
पूरी दुनिया घूम घाम के आके इतने महीनों के बाद मायके में आके बैठने की ज़रूरत नहीं थी और बेटी अकेली थी। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि बेटी अकेले अलग घर में कैसे रह रही है, जान जवान बेटी है, रात दिन रात कुछ हो गया तो कुछ होगा तो बहुत सारी चीज़ें अजान हो रही। तो वही बात है कि अगर इतनी बेटी के लिए फिक्र थी, रात दिन रात जान जवान बेटी अकेले रह रही है, कैसे रह रही है, भले ही लोकेलिटी सही हो लेकिन इंसान को अंदर से तो डर लगता ही है कि भाई मेरी बच्ची कैसी होगी, ऐसी सिचुएशन में वो अकेली है कैसे मैनेज कर रही होगी। मेंटली बहुत इंसान अपसेट रहता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो माँ को बोलना नहीं पड़ता, मैं मुँह देख के समझ लेती बच्चों का। तो ये चीज़ आपको फिक्र पहले ही होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी को लेकर इतना कंसर्न थी। बट हाँ, ये बात सच है कि किसी भी माँ को अपने बच्चे के मरने के लिए जो है ना वो बुरा लगेगा, और डेफिनेटली ये बात आंटी को बुरा लगा, ये मैं एग्री करूँगी, क्योंकि एज अ मदर अगर मुझे भी कोई बोले मेरे बच्चों को लेकर तो मुझे बुरा लगेगा, भले ही मैं रिएक्ट ना करूँ लेकिन अंदर से हाई ज़रूर निकलेंगे। ठीक है, तो ये बात डेफिनेटली सही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपकी भी गलत है जो आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। बच्चों का प्यार अलग चीज़ है लेकिन बच्चों की मनमानी अलग चीज़ है, वो भी गलत है। ठीक है, बच्चों को रोकना हमारा काम है। अब साथ ही साथ बात करते हैं काली मैना की, वो भी एक माँ है। ठीक है, कल के अगर उसका व्लॉग देखोगे जिसमें वो मुझे जो है ना ऐसी ऐसी करती करके चिढ़ा रही थी, भाई तेरे इतने बुरे दिन आ गए थे, तुझे मुझ जैसे छोटी यूट्यूबर का नकल उतारना पड़ रहा है। खैर, हम तो बड़े बड़े यूट्यूबर का नकल उतारते हैं, कभी रोस्ट करते हैं क्योंकि भाई तुम लोग बड़े हो, तुम लोग के जो है ना नंबर्स बड़े हैं, लेकिन मुझ जैसे छोटी यूट्यूबर के लिए तुझे इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है, इतनी तुझे तिलमिलाहट जो है ना तू इतनी तिलमिला रही है, देख के सच में मेरे रूह को सुकून मिलता है। सच में मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे सच में बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है कि भाई ये तिलमिला रही है, मेरे को देखो कैसे कॉपी कर रही है, मेरे को रोस्ट करने के नाम पे कॉपी कर रही है। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई इतने बड़े यूट्यूबर मेरे बारे में बात कर रही है, तो भाई मुझ में कुछ तो बात होगा। लेकिन कल के अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा तो कॉपी छोड़ दो, मुझ में कुछ बात है तभी वो कॉपी कर रही है, लेकिन जितना भी कॉपी कर ले कुछ कुछ चीज़ें कॉपी नहीं हो सकता, अल्लाह तो माफ़ कर, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए जो के हिसाब से मैंने बोला था। अब बात करें अगर काली मैना की, तो देखो माँ हमेशा अपने बच्चों को लेकर कंसर्न रहती है, और एक माँ अपने बच्चों का अच्छा जैसे चाहती है वो कोई नहीं चाह सकता, वैसे ही वो अपने बेटे का जितना अच्छा चाहेगी ना दुनिया में कोई भी, अगर मैं भी चिल्ला लूँ लेकिन मैं उसके बच्चों को उसके जैसा प्यार मैं कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं, ये तो मैं भी दावा करती हूँ। लेकिन ये जो व्लॉगिंग करती है ना, ये दुनिया भूल जाती है, ये दुनिया भूल जाती है, और इसके दिमाग में तो कुछ दिनों से यही चल रहा है, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं मेरे लाइफ में क्या है, मेरे घर में क्या फसाद है, क्या फड्डे है, वो वही ढूंढने में लग गया। अरे भाई मेरा छोर, मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट पुलिस कचहरी तक की तो खींच सकती है, और पैसों के दम पे लोग वहाँ से भी निकल के आते हैं, और मुझे सपोर्ट करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बहनें हैं। तो मेरा छोर तो अपने घर पे ध्यान दे, क्योंकि मेरे पीछे पड़ के मुझे थैंक यू सो मच कि तू मुझे फेम दे रही है, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है, थैंक यू सो मच कि तेरे वजह से, तेरी पब्लिसिटी की वजह से मेरा दुकान चल रहा है। इसके लिए जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह तेरे इसका अज़र तुझे दे बहन, तुझे तेरी भी रोज़ी में और बरकत दे। लेकिन अपने बेटे को देख ले, मुझे पता है कि तू अपने बेटे का जितना भला चाहेगी उतना मैं नहीं चाह सकूंगी, लेकिन इससे पहले भी लोगों ने कमेंट करके बोला था, और मैंने भी इसको बोला था कि भाई छोटी चीज़ें बच्चों के हाथों में मत दे, कब क्या दुर्घटना हो जाए बोल नहीं सकते, क्योंकि जो बड़ी अम्मी की बात मैं कर रही थी कि मेरी माँ के हाथ से मार खाने में बड़ी अम्मी मुझे बचाती थी, उन्हीं बड़ी अम्मी का जो पोता है सूरज, वो लगभग 2-2.5 साल का था, तो हमारे में नारियल का पेड़ होता है मायके में, तो वो उसके पापा जो है ना नारियल को मतलब छील रहा था लड्डू के लिए, और वो पता नहीं कैसे एक टुकड़ा थाली से ले लिया और उसने मुंह में डाल दिया, छोटा सा टुकड़ा था, और वो अटक गया सांस लेने में। तो 2.5 साल का बच्चा था, इतना खूबसूरत बच्चा था, इतना गोरा था, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो बच्चा नहीं रहा दुनिया में, और इतना बुरा लगा देखे, क्योंकि हमारे हाथों में ही हुआ, हमारे आंगन में खेला, तो जाहिर सी बात है हमारे हाथों में नहीं भी हुआ होता और हम उसको बचपन से नहीं भी जानते तब भी बुरा लगता, क्योंकि वो एक बच्चा है। तो अब उसका बाप तो नहीं चाह रहा था ना कि उसका बेटा मर जाए, लेकिन एक दुर्घटना बोलते ना कि हादसे को कोई वो नहीं रहता है, हादसा कभी भी हो सकता है, भले उसकी माँ सामने थी, उसकी माँ सामने बैठ के देख रही थी, लेकिन हादसा कभी भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें करना ही क्यों जिससे हादसे का डर रहता है। मुझे पता है कि वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहिए, कोई भी माँ नहीं चाहेगी, लेकिन ब्लॉगिंग के चक्कर में इतने भी केयरलेस नहीं होना कि कभी तुम जो है गाजर का हलवा जला दो तो कभी कुछ और जला दो, तो कभी बच्चे के मुँह में छोटी चीज़ डाल रहा है तो उसे मांग रही वो दे नहीं रहा, उससे ज़बरदस्त लेके कुछ और दे देती, भाई बच्चा है वो, उसको अच्छा बुरा दुश्मन सगा दोस्त
कुछ भी समझ नहीं उसमें, तुम उसके सामने तुम आग भी रख दोगे वो भी पकड़ लेगा, उसके सामने पानी भी रख दोगे वो भी पकड़ लेगा। ऐसा माशाल्लाह है, बहुत बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। भले ही मैं उसकी माँ को पसंद नहीं करती लेकिन बच्चा बच्चा है और वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारा है। अल्लाह उसको सेहतयाब रखे, उसको दोनों जहान की खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो यही बोलूँगी उसको बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, चाहे अपना हो या दुश्मन का हो। तकलीफ़ काली मैना को भी हुई होगी उसकी बेटी को पैदा करते टाइम, तकलीफ़ मुझे भी हुआ होगा इब्बू को पैदा करते टाइम। तो मैं कभी भी किसी के बच्चे को बुरा नहीं चाहती हूँ, खासकर छोटे मासूम बच्चे। लेकिन एहतियात बरतना ही हमारे माओं का काम होता है कि भाई हम अपने बच्चों को गलत चीज़ों से बचाए, गलत लोगों के माहौल से बचाए, हर चीज़ से बचाए। तो अगर हमसे लड़ रही है, मुझसे स्पेशली हम नहीं बोलूँगी, मैं मुझसे बोलूँगी, अपने भाई बहनों को ट्रोल होने से मुझसे अगर तू लड़ रही है बचाने के लिए, तो साथ साथ तो अपने बच्चों पर ध्यान देना भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या बुरा कर लेगी, कुछ बुरा नहीं कर पाएगी। तू मेरे बारे में बुराई करेगी अपने वीडियो में, मुझे तेरा फेम मिलेगा, तेरे सब्सक्राइबर आके मुझे कुछ गलत बोलेंगे, मैं उनको ब्लॉक कर दूँगी, उनका कमेंट मुझ तक और मेरे सब्सक्राइबर तक पहुँचेंगे नहीं, बस इतना ही, पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक। लेकिन भाई अपने बच्चों पे ध्यान दे, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी तेरे साथ रहने वाले, तेरे मरने के आखिरी दम तक वो तेरी जिम्मेदारी ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे भी लोग समझा रहे कि तुमको ब्रेक लेना चाहिए, हाँ तुमको अगर लगे कि ऐसा कोई टॉपिक हो तो तुमको रोज, और मुझे भी लगा कि भाई मैंने अपने बच्चों को काफ़ी दिन हो गए मैं उनको लेके नहीं गई, कहा ईद के टाइम पे शॉपिंग के टाइम पे गई थी, उसके बाद शायद एक बार हाँ रेस्टोरेंट गए थे, उसके बाद नहीं गई। मुझे भी अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, लड़ना तो पूरी ज़िंदगी लड़ लेंगे भाई, जितने साल यूट्यूब में बैठ के इनकी बारे में बुराई कर लेंगे, लेकिन दिस इज़ आर टाइम, मुझे अपने बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्योंकि गुनू का अभी स्कूल खोलने वाला, अभी इसका ट्यूशन चालू होने वाला है, तो वैसा टाइम हम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये बात भी अब मेरे सब्सक्राइबर का सही, और मेरे सब्सक्राइबर की बातें मेरे सर आँखों पर, बहुत लोगों ने बोला इनको छोड़ना नहीं, बहुत लोगों ने बोला इनको छोड़ दो। तो देखो मैं लगातार तो लगी नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ जब कोई ऐसी बात होगी मुझे लगेगा कि रिएक्शन देना चाहिए इनकी वीडियो के ऊपर, मैं ज़रूर दूंगी। और अभी तो थोड़ा टाइम मैं अपने फैमिली को देने की कोशिश करूंगी, नेक्स्ट वीक। तो यही सारी चीज़ें कि ये इतनी केयरलेस है कि ये व्लॉगिंग के चक्कर में इतना गुम हो जाती है, इसके सर में आजकल मैं भूतों की तरह मंडरा रही हूँ, या शायद रात को सोते टाइम भी आयशा 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 करके सोती होगी, सपने में भी आयशा मेरे को गला घोट के मार रही होंगी, और सपने से उठ के भी जो है ना सवेरे उठ के भी मेरे नाम का ही माला जप रही होगी। तो थोड़ा भाई अपने बेटों को ध्यान दे दे, क्योंकि हादसे को कभी भी कोई भी नहीं चाहता अपने बच्चे के साथ बुरा हो, लेकिन कभी कभी दुर्घटना हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो व्लॉगिंग करो, दो पैसे कमाओ, नो डाउट कमाना भी चाहिए, लेकिन हमको साथ साथ अपने बच्चों की सेफ्टी के ऊपर भी देना चाहिए। वैसे तो ये कितनी उसके घर की साफ़ सफाई की बात करें तो वो कितनी साफ़ सुथरी औरत है वो तो सबको पता है। बहुत सारे लोग मेरे घर के बारे में पहले बात करते थे, मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, लेकिन सही में अगर मेस्ट अप घर देखना है ना तो उसका घर देखो। हालांकि उसके घर में भाई भी आते काम करने को, खुशी नाम है उसका शायद, हाँ खुशी उससे बोला था। तो उसके घर में भाई लग के भी, इतना बड़ा घर लग के भी उसके पति इतने हेल्पफुल है माशाल्लाह से, इतना उसका घर इतना मेस्ट अप रहता है, इससे समझ में आता है कि वो कितनी जिम्मेदार है। एनीवेज आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, दुआ की दरख्वास्त है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके अपना ओपिनियन क्या है वो जरूर शेयर करें।